नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आपका आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं फैमिली के छोटे सदस्यों से प्यार और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मुझसे ईटीएफ रिलेटेड या और सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करता हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो स्किप हो जाएंगे, फिर आप पूछते हैं व्हाट्सएप पे। एक और खुशखबरी की बात है कि हमारे यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य का कार का शोरूम खुल गया है। इन्होंने विगत 15 दिनों में अभी 380,000 रुपए कमाए हैं बैंक 20 से। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नाम है आपका लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, 61 साल के हैं, बैंक रिटायर्ड पेंशनर है। आपने मुझसे संपर्क किया था अभी सितंबर के लास्ट वीक में, तो मैंने आपको बताया था कि आप बाबूजी बैंक 20 में काम करिए, ईटीएफ में काम करिए। उसके पहले त्रिपाठी जी ने मुझसे कहा कि किसी फंड मैनेजर ने उनको ऑफर किया है कि 2% वो फंड मैनेजमेंट की फीस लेंगे और उनके फंड को मैनेज करेंगे। तो मैंने कहा बाबूजी मेरे यहाँ तो फ्री है सलाह, आप 2% भी बचाइए और 20% से ज्यादा रिटर्न दीजिए। 20% रिटर्न का वादा किया था फंड मैनेजर ने, तो मैंने कहा उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। तो उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं और मेरी डांट का भी उनको सामना करना पड़ा है। एक्चुअली में उन्होंने करीब 70 लाख रुपए लगाए थे और उन्होंने बैंक 20 खरीदी थी। गलती क्या हो गई थी, मैंने उनको आरपीएस मोड में बोला था और उन्होंने 25,000 शेयर 217 से 15 रुपए के बीच में एक साथ लिए थे। उन्होंने फोन कहा कि त्रिपाठी जी गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नीचे और लीजिए। फिर 206.7 में उन्होंने और खरीदे थे 10-15 हजार शेयर, तो करीब 35-37 हजार शेयर हो गए थे। मैं उनको वो शेयर सेल करवाता चल रहा था। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि गलती हो गई त्रिपाठी जी, जिरोधा में दो ऑप्शन है, एक तो वॉच लिस्ट में जाके सेल करते हैं और एक जहां पे डिलीवरी दिखाता है वहां से। तो उन्होंने वहां से स्वाइप कर दिया तो उनके 231 रुपए में एक साथ 25,000 शेयर सेल हो गए थे। इस वजह से उनको 380,000 का ही मुनाफा हुआ, जो कि करीब उनके इन्वेस्टमेंट का 5% है, लेकिन 15 दिन में है, अगर महीने भर का जोड़े तो 10%। और ये मुनाफा अगर उनसे वो शेयर सेल ना हुए होते तो करीब करीब जाके 6.5-7 लाख रुपए का बनता। तो एक अच्छा मुनाफा उन्होंने कमाया। उन्होंने एक आभार पत्र भी मुझे लिखकर प्रेषित किया था, तो मैंने वो टेलीग्राम चैनल में अपने शेयर भी कर दिया था, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। इसके अलावा जो छोटे मोटे प्रॉफिट 10-20% के प्रॉफिट कमाते रहते हैं आप लोग, वो मुझे जरूर शेयर किया करिए, जिससे मैं टेलीग्राम में बता सकूं कि मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स मुझे फॉलो करके फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ पैसे भी कमा रहे हैं। देखिए, ये सब बताने का उद्देश्य ये है, महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि त्रिपाठी जी ने मुझ पर विश्वास जताया और विश्वास करने के बाद सार्थक प्रयास किए गए, जिसके सुखद परिणाम आए, एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। देखिए, अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासित और संयमित रहना मार्केट में बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, अब वह दिन दूर नहीं जब लोगों का शेयर से मोह भंग होगा और वो ETF की तरफ रुख करेंगे। फोकस जरूर शेयर से ETF की तरफ शिफ्ट होगा। जो नए निवेशक हैं वो सिर्फ ETF में ही इन्वेस्टमेंट करके अपनी शुरुआत करें, ट्रेड करके शुरुआत करें। नंगा शेयर नंगी तलवार की तरह होता है, और वो भी दुधारी तलवार की तरह। करता क्या है, जब शेयर आप खरीदते हैं और वो चलता है और खूब वो रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ता है, तो निवेशक को अति उत्साहित कर देता है। वो इतना उत्साहित हो जाता है, वो हमारे बताने पर भी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हमसे कहता है कि मैंने स्टडी कर लिया है, अभी शेयर और ऊपर जाएगा।
और यही स्थिति उसके विपरीत होती है। जब वही शेयर गिरने लगता है तो उसको पहले तो एवरेज करता है निवेशक, जो आम निवेशक रिटेलर होता है, उसके बाद नीचे के रेट पर जब वो तलहटी पर आ जाता है शेयर, तो हताश भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके कई उदाहरण है, कुछ शेयर्स के मैं नाम बताना चाहूंगा, जैसे जेपी एसोसिएट्स, कभी ये ट्रेडर का बहुत पॉपुलर शेयर होता था, मेरा भी ये बहुत फेवरेट शेयर था, सिंटेक्स प्लास्टिक, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, सुजलॉन, ऐसे काफी शेयर्स थे जिसमें आम निवेशकों के पैसे डूब गए, हाथ जला बैठे। शेयर जब डूबे तो निवेशक भी पूरी तरीके से डूब गए और आज तक उबर नहीं पाए। हाँ, अलबत्ता वो शेयर्स जरूर उनके पोर्टफोलियो में चमकते रहते हैं और मुझसे भी वो कभी कभार इस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर क्या करें। तो मैं कहता हूँ, रखिए, होल्ड करिए, इतने नीचे गिर गए, कभी कुछ होगा तो ठीक है, नहीं समझ जाइए, भूल जाइए। इसके विपरीत ईटीएफ में यही फायदा है, ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उनके रेप्लिका होते हैं। तो इंडेक्स में जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या खराब होती है तो उस कंपनी को अच्छी कंपनी से रिप्लेस कर देते हैं और इंडेक्स बदस्तूर चलता रहता है। यानी कि इंडेक्स में क्रीम क्रीम रहती है, माठा और छाछ इसको बाहर कर दिया जाता है, इसलिए ईटीएफ में कोई खतरा नहीं है। अभी तो कहता हूं, ईस्ट और वेस्ट ईटीएफ्स आर द बेस्ट। अनु मलिक का एक गाना याद आ गया, ईस्ट और वेस्ट वाला, उस पर मैंने बोला, करेक्शन हो तो बेलॉस और बेखौफ ईटीएफ में खरीदारी करें। देखिए, आपको दो सिद्धांत और यहां देता हूं। जब भी शेयर मार्केट गिरने लगे और आपको डर लगे, तो एक मूवी आई थी, डरना मना है, तो बिल्कुल डरना मना है। और जब शेयर एकदम रॉकेट की तरह भागने लगे ऊपर, मार्केट में बहुत तेजी आ जाए और आपका प्रॉफिट 5-10% से ज्यादा हो जाए, लेकिन मन आपसे ये कहे, लालच में आके मन आपसे ये कहे कि रुक जाते हैं अभी और, रुक जाते हैं थोड़ा सा और बढ़ जाने दे तब बेचते हैं, तो जब ये लालच आ जाए तो डरना जरूरी है। दूसरी मूवी है, डरना बिल्कुल जरूरी है, अपने प्रॉफिट को तुरंत बुक करिए 10% से ऊपर मिले तो। तो दो चीजें क्या बताई, डरना मना है और डरना जरूरी है, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार दोनों सिद्धांतों को फॉलो करना है। YouTube फैमिली के कुछ सदस्यों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ क्वेरीज थी उनकी, कमेंट बॉक्स में लिखी थी। तीन क्वेरीज मैंने ली हैं इस वीडियो में। पहली क्वेरी बहुत कॉमन थी कि क्या ETF डिविडेंड देता है, तो ETF डिविडेंड नहीं देते हैं। शुरुआती दौर में निप्पॉन के निफ्टी 20 ETF ने कुछ डिविडेंड दिया है शुरुआती सालों में, लेकिन अब कोई डिविडेंड नहीं देते हैं। दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि निफ्टी फार्मा का कोई ETF बताइए, तो अभी तक मेरी नजर में निफ्टी फार्मा का ETF नहीं आया है। अलबत्ता तीन अच्छे फार्मा के म्यूचुअल फंड हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे आपको बना के दूंगा। तीन अच्छे फार्मा म्यूचुअल फंड हैं, मुझे आशा है कि जल्दी कोई फंड हाउस फार्मा ETF भी लाएगा। इस बीच में अगर मेरे फैमिली के सदस्यों को किसी को इसकी कोई सूचना मिलती है फार्मा ETF की, तो प्लीज मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवगत कराएं, या अभी कोई चल रहा हो, मेरे हिसाब से तो अभी कोई फार्मा ETF नहीं है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या ETF में बोनस स्प्लिट होता है, तो बोनस का एज सच तो नहीं, लेकिन हाँ स्प्लिट हुए थे। निप्पॉन इंडिया ने अपने ETFs को स्प्लिट किया था पिछले साल दिसंबर 2019 में। बैंक 20 की फेस वैल्यू 10 रुपए से 1 रुपए कर दी गई थी, निफ्टी 20 की फेस वैल्यू 10 रुपए से 1 रुपए कर दी गई थी, उसी रेशियो में आपको शेयर भी अलॉट हो गए थे। कैसे, जैसे आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले में आपको 10 शेयर अलॉट हो गए थे, इस तरह से 100 है तो 1000 हो गए थे। दूसरी चीज, गोल्ड 20 की जरूर फेस वैल्यू 100 रुपए से 1 रुपए की गई है। पहले गोल्ड 20 का एक शेयर 4000 रुपए का होता था, मतलब आज के हिसाब से 4400 का, 4400 रुपए का होगा। अब उसका टिकट साइज छोटा करके 1 रुपए में जो फेस वैल्यू हो गई तो 44 है। इसके पीछे उद्देश्य यही है म्यूचुअल फंड हाउसेस का, मतलब निप्पॉन का स्पेशली, कि टिकट साइज को छोटा कर दिया जाए जिससे आम निवेशकों की
पहुंच में ये शेयर आ सके और वो अच्छे से ट्रेड कर सके। दूसरा, इन ETF की वॉल्यूम बढ़ाना भी एक मकसद रहा है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे। जब छोटे टिकट साइज के शेयर होंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा वॉल्यूम होगा और सबको अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए, गोल्ड 20 का एक शेयर जब 4400 रुपए का था तो आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कैसे खरीदें। अब वही जब 44 का हो गया तो आम रिटेलर भी उसको खरीद सकता है। इवन 4400 में अब उसके गोल्ड 20 के 100 शेयर खरीद सकता है। तो ये अच्छी बात है एक तरह से। छोटा इन्वेस्टर भी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे अपना SIP RPS मोड में इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे प्रॉफिट इन द लॉन्ग टर्म कमा सकता है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, ट्यूसडे को क्या हो सकता है, एक दो दिन में। देखिए, शेयर बाजार 11,500 तक एक बार आएगा, यहां पर शायद एक बार होल्ड करे। देखिए, जब मैं बात शेयर बाजार कर रहा हूं तो निफ्टी की कर रहा हूं। दूसरा, बैंक निफ्टी 22,300 तक आ सकता है। अगर यहां पर इन्होंने सपोर्ट लिया और यहां से एक बार ऊपर चले और 11,800 के ऊपर निकला आपका निफ्टी और 23,500 के ऊपर बैंक निफ्टी, तो एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी में तो कम से कम 1,000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी। उधर ट्रंप का चुनाव हो रहा होगा अमेरिका में 2-3 तारीख को, इधर 5-6 तारीख को निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रही होगी। यानी कि 12,500 से लेके 12,800 तक का टारगेट मैं आपको देता हूं खुला, कि यहां तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी भी 25,000 के ऊपर बड़े आराम से चली जाएगी। करना क्या है मंडे को, बैंक 20 की रेंज डिसाइड हो गई, नीचे 225 रुपए से और ऊपर 238 रुपए तक के बीच में हमको खरीदारी करनी है और सब 240, 45 और 50 के ऊपर बेचना है, ये करना है। दूसरा, गोल्ड 20 में क्या करना है, 42, 43, 44 यहां पे खरीदारी करते रहिए अभी 6 महीने के लिए। जनवरी में हम लोग बड़े आराम से 49 में बेचेंगे, क्योंकि गोल्ड हमको 56,000-58,000 का दिख रहा है। निफ्टी 20 को जरूर करेक्शन में लेना है, 118 और 115 के नीचे हम लोग खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। एक चीज और बता दूं कि एक काम आप लोग कर लीजिएगा मंडे को, मार्केट खुलते ही 9:15 पर 1,000 शेयर की क्वांटिटी डालिएगा गोल्ड 20 की। कितने पर, 40 रुपए 70 पैसे या 40 रुपए 80 पैसे में। और अगर वो क्वांटिटी आपकी बाई हो जाती है तो उसको सेल कर दीजिएगा 42 रुपए 50 पैसे या 42 रुपए 40 पैसे में, आराम से ये काम हो जाएगा। कोई नीचे गोल्ड 20 को नीचे के रेट पे भर रहा 5-6 दिनों से। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर मुझे सपोर्ट करिए। मेरे इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए। और इस YouTube पर अगर आप नए हैं, इस फैमिली में नए आए, पहली बार देखा है, तो मेरे चैनल आनंद भाव को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे सही समय पर आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।